मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर अब करनाल से। करनाल के रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठन के बैनर तले अपनी आवाज़ को आज बुलंद किया। कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर स्थित रोडवेज वर्कशॉप में नारेबाजी की और धरना भी दिया। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं कर्मचारियों ने रोडवेज अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा, जिसमें कर्मचारी नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल में बसों को चलाने का जो काम कर रही है उससे रोडवेज के बस कंडक्टर और ड्राइवर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के जींद में सतपाल परिचालक और सिरसा में चंद्रशेखर रोडवेज कर्मचारी की मौत कोरोना से पहले ही हो चुकी है, परंतु सरकार द्वारा उनको कोई भी सहायता नहीं दी गई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना काल महामारी को देखते हुए 50 लाख का बीमा करना चाहिए। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार को किसान विरोधी कर्मचारी विरोधी सरकार बताया और कहा कि सरकार जो है कर्मचारी विरोधी फैसले लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए जो लाठीचार्ज बुजुर्ग किसानों पर किया है उसकी हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठन निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 गज की दूरी जरूरी है अगर कोरोना को हराना है, लेकिन बसों के अंदर 80-80 सवारी चल रही है, कोरोना फैलेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे कि कई दफा व्यवहारिक ये बातें मतलब व्यवहारिकता में लागू नहीं हो सकती। एक स्टैंड पे अगर 40 सवारी खड़ी हैं, ड्राइवर कंडक्टर उसको ना बिठाए तो झगड़ा करेंगे उनके साथ। तो ये है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता सरकार कर रही है, बसें की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब आप 10 दिन पहले आप देखते होंगे कुछ बसों की संख्या कम थी, अब बसों की संख्या बढ़ाई और जैसे जैसे सवारी निकलती जाएंगी सड़क पे बसों की संख्या बढ़ी जाएगी और उससे इसका समस्या का समाधान हो सकता है और जैसे जैसे बसें बढ़ेगी वैसे ये समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर साहब, हम ये सवाल पूछे, चलो फुल कैपेसिटी की बात कर दी, 52 सवारियों की बात कर दी, तो 52 सवारियों के अलावा भी जो 20 से 25-30 लोग और एक्स्ट्रा जो लेके जा रहे हैं, क्या कोई जिम्मेदारी चालक या परिचालक की नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ चालक परिचालक यहाँ से बस स्टैंड से तो कोई जा नहीं रही, या बस स्टैंड से कोई 20 सवारी फालतू लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने बस स्टैंड पे आप अगर देखो तो यहाँ से जो बस स्टैंड चल रही है काउंटर जितने भी हैं आप जाके वहाँ देखो जरा, कोई यहाँ से कोई 52 से ऊपर जा रही है नहीं जा रही। कोरोना की रोकथाम के लिए बस स्टैंड की तरफ से क्या इंतजाम? बस स्टैंड की तरफ से मतलब जो सरकार की जो हिदायतें हैं टाइम टू टाइम जो आ रही है वो मतलब लागू की जा रही है। मांग आज मांग की है जो चालक पर चालक, एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी होनी चाहिए, एक तरफ हरियाणा की सरकार कहती है कि बस के अंदर फुल कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई जब फुल कैपेसिटी होगी, साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब फुल कैपेसिटी होगी तो 2 गज की दूरी कैसे रहेगी? क्या ये समझा जाए कि हरियाणा रोडवेज से कोरोना की एक खतरनाक चेन शुरू होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि हो चुकी है, होने वाली नहीं है भाई साहब, हो चुकी है। ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि जींद के अंदर हमारा साथी सतपाल सिंह परिचालक संख्या 151 और सरसा डिपो के अंदर चंद्रशेखर दम्मी मैकेनिक जिसकी कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, आज उन बच्चों का वारिस कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को, क्या सरकार का फर्ज नहीं है? जब सरकार फुल कैपेसिटी कर रही है, क्या सरकार का फर्ज नहीं 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी लागू करने का? तो आज आप इकट्ठे हुए हैं तो क्या करेंगे? आज हम विज्ञापन देंगे और उसके बाद किसको देंगे ज्ञापन? ज्ञापन देंगे जीएम के द्वारा, जीएम जीएम के माध्यम से डीसी साहब को, डीजी साहब को मान दे सकते। तो दूसरी हमारी मांग ये है कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सब जिम्मेदारों के बेटे हैं, कोई अंबार के नहीं है, मजदूरों के बेटे हैं हम। जो पीपली के अंदर इस सरकार ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया रोडवेज का कर्मचारी,
इस चीज की भी गौर निंदा करता है। ऐसा सरकार ने करना नहीं चाहिए था। अगर किसान जा रहे थे तो अपने प्रदर्शन कर रहे थे, और लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है अपनी मांग रखने का, वो अपनी मांग रख रहे थे। सरकार को चाहिए था अपना नुमाइंदा भेजे और उनकी बात सुने, लेकिन उसके बजाय सरकार ने उन पर लाठी चार्ज करवाई, हमारे बुजुर्गों पे, नौजवान साथियों पे, इसके भी हम गौर निंदा करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।